गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। एंड इस ब्लॉग के अंदर कुछ अलग से करने वाला हूँ मैं, बैठ के आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए ना कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और टाइम हो रहा है सुबह का 5:53 हो रखा है, आप देख ही सकते हो। एंड मैं क्या बताने वाला हूँ इसके अंदर, आपको पता चलने वाला है कि भाई मैंने अभी ना लिटरली मैं जल्दी जगह था आज 3 बजे के अप्रोक्स में, तो मैंने एक वीडियो देखा आर के वैष्णव सर का, जो उत्कर्ष है ना वो तुम लोग जानते ही होंगे, उत्कर्ष के आर के वैष्णव सर, उनका मैंने वीडियो देखा था। तो वो कुछ रीट के बारे में बोल रहे थे कि रीट के एग्ज़ाम में बैठे टाइम कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है और इसी के साथ ही क्या करना है कि कैसे हमको एग्ज़ाम को पेपर जो आता है ना उसको सॉल्व करना, तो वो सारी चीज़ें आर के वैष्णव सर बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे थे। ठीक है, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो आपको एक बार बोल के बता देता हूँ मैं। और मेरे को लग भी रहा था कि यार आपको यदि मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी, और मेरा मेन मोटो यही है कि आपकी हेल्प होनी चाहिए, किसी की हो या ना हो बट मेरे ऑडियंस के हेल्प होना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलो फिर करते हैं ना। तो ये मैंने निकाल लिया, ऑलमोस्ट मैंने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया था, तो चलो फर्स्ट ओपन करते हैं और देख लो ये आर के वैष्णव सर ही है ना अपने, आर के वैष्णव सर। चलो मैं बोल के बता देता हूँ। तो आर के वैष्णव सर ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्रश्न संख्या, सबसे पहले हमको ना एग्ज़ाम हॉल में जाते टाइम सबसे पहले तो हमको अपनी जो नर्वसनेस है उसको ख़त्म कर देना है। हमको ये सोचना है कि भाई जितना भी मैं पढ़ के आया हूँ वही एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है, ये सोचकर हमको एग्ज़ाम के अंदर एंट्री लेनी है, 2 घंटे पहले एंट्री लेनी है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो उन्होंने बताई जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करता हूँ क्या बताया सर ने एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते टाइम किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि जो बनसित, सबसे पहले तो क्वेश्चन सीक्वेंस हमको पता होना चाहिए, यदि क्वेश्चन सीक्वेंस नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज में गलती कर देंगे, और यदि हमने लैंग्वेज में गलती कर दी तो फिर मात खा जाएगी इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 से 30 तक जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आएंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, जिन्हें बोलते हैं हम मनोविज्ञान, जो हमारे रीट के सिलेबस में जिनको बाल विकास नाम दिया हुआ है, सिंपल। उसके बाद 31 से 60 तक आएंगे अपने लैंग्वेज वन के, 61 से आएंगे 90 तक भाषा सेकंड के यानी कि लैंग्वेज टू के। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अक्सर क्या होता है ना कि लैंग्वेज फर्स्ट के बाद जैसे 31 से 60 हिंदी की हमने, मान के चलो हिंदी ली, बाय द वे मैंने हिंदी लिया तो मैं हिंदी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, तो मैंने हिंदी ली, उसके बाद ना इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम लगातार करने लग जाते हैं। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन सिक्वेंस को ध्यान रखना है, हमको भाषा फर्स्ट कर ली 31 से 60 तक, उसके बाद भाषा सेकंड उस जगह से स्टार्ट होगी जहाँ पर 61 से नंबर स्टार्ट होगा, 61 से 90 तक, सिंपल। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम जो अपना था लेवल वन के, यदि आप हो तो आपको चाहिए EBS और मैथ्स आएगा, इसके बाद इकनमेन से 150 तक, और यदि आप लेवल सेकंड के हो तो साइंस मैथ आने वाला है। ठीक है, साइंस मैथ आएगा, उसके बाद ये सारा चीज़ यहाँ पर उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि भाई हमको कैसे इसको अटैम्प्ट करना है जिससे हमारे पात्रता सिद्ध हो जाए, हम क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने बताया, दूसरा मैंने स्लाइड ओपन किया है, ठीक है, उनके लिए उन्होंने बताया कि जो हमारे बाल विकास के क्वेश्चन उनके अंदर यदि एक एवरेज स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, मतलब ठीक ठाक प्रिपरेशन की है, तब भी वो साइकोलॉजी के अंदर 20 नंबर लेके आ सकते हैं। लैंग्वेज वन के अंदर यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो 20 लेके आ सकता है, सेकेंड के अंदर भी वो 20 लेके आ सकता है। इसके साथ ही जो रहेगा ना आपका, यदि आप लेवल वन के हो तो फिर आपको EBS और मैथ के अंदर 30 लेके आ सकता है ईजिली, और जो अपना था लैंग्वेज एक लेवल टू उसके अंदर भी वो लेके आ सकता है बंदा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ मैं, हाँ भाई थोड़ा मैनेज हो जाए यार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बताई थी उन्होंने। इसी के साथ एक चीज़ और बताई थी कि भाई जो हमको ना अपना टाइम भी 2 भागों में डिवाइड करना है, पहला 90 मिनट, सेकेंडरी 90 मिनट। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 150 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, 2/1/2 घंटा, समझ गए ना, 1.5 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर लिया, 90 मिनट के अंदर हमको क्या करना है, जो अभी 20-20 नंबर जो आए ना ये सारा चीज़ करना है 90 मिनट के अंदर। उसके बाद आपका सेकंड राउंड आएगा, तो अभी कैलकुलेट कर लो एक बार, 20 साइकोलॉजी के अंदर, 20 लैंग्वेज 1, 20 लैंग्वेज 2। ठीक है, उसके बाद EBS यदि लेवल फर्स्ट में हो तो EBS और मैथ, और लेवल सेकंड में हो तो साइंस मैथ है तो साइंस मैथ, और रीड SST है तो SST, सिंपल। ठीक है, तो 30 उसमें हो गए, 60 उसमें हो गए, टोटल 90 हो गए, आपकी पात्रता सिद्ध हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या बताया सर ने कि आपका इतना हो जाता है फिर भी आपके पास 1/1/2 घंटा यानी कि 1.5 घंटा बचता है। अब इस 1.5 घंटे के अंदर क्या करना है आपको, 1.5 घंटे के अंदर आपको टाइम को डिवाइडेड करना है। चलो फ़ोन को थोड़ा मैं अपने पास ले लेता हूँ और इसको एक्सपोजर को कर देता हूँ मैं,
यार चलो ठीक है, अब ठीक है ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको ले लेना है, और 1.5 घंटा लेने के बाद आपका 1.5 घंटा आ जाएगा ना, हाँ 1.5 घंटा बचेगा। 1.5 घंटा जब बच जाएगा ना, तो आपको एक बार फिर से आना है बाल विकास के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, और बाकी की जो सब्जेक्ट हैं आपकी तीनों चार उसके ऊपर। आने के बाद आपको एक बार दोबारा से करना है। दोबारा से करोगे तो आपके एक दो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। यदि आपके 20 में से 18 भी हो रहे हैं और 30 में से 25 भी हैं तो कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड जो आपका लग रहा है, जो अभी 90 मिनट बचे हैं उनके अंदर 60 मिनट आप ले लो, ठीक है। 60 मिनट आपके पास अभी बचा है, 60 मिनट में से 30 मिनट के अंदर करो। यदि आप थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो आपका अचेतन मन एक्टिव हो जाएगा, एंड वहाँ से फिर आपको लिटरली एक एक दो दो क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही सकते हो। तो टोटल लगा लो तो आपका ऑलमोस्ट दो दो क्वेश्चन तो उसमें हो ही जाएंगे, कम से कम दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे यदि आपने थोड़ा सा भी स्टडी किया है। बाल विकास के अंदर दो, और भाषा सेकेंड के अंदर एक, भाषा फर्स्ट के अंदर दो, तो मतलब ऑलमोस्ट आपका क्वालिफाई आप हो जाओगे, ऐसा वैष्णव सर ने बताया था, ठीक है। उसके बाद आपका बिल्ट बचता है 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपको 10 मिनट तक क्या करना है, आपको देखना है कि भाई मैंने जो गोले किए वो सही किए हैं या फिर नहीं, ठीक है सही किए। उसके बाद अभी बचे आपके पास कुछ 50 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन करते टाइम आपका दिल गवाही करते है कि पहली बार में मान के चलो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि यार ऑप्शन नंबर 20 सही है, तो बस उस पर ही गोला कर दो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके पात्रता तो सिद्ध हो चुकी है। अभी ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको ही बेनिफिट है, क्या पता उनमें से कोई एक आध गलत हो, आपको लग रहा हो सही हो तो उधर का बेनिफिट उधर मिल जाएगा, ठीक है। और ऑन एन एवरेज बात करें तो यदि आप 49 या फिर 50 क्वेश्चन बचते हैं आपके, ठीक है, सो 100 क्वेश्चन आपने कर लिए 150 में से, अभी 50 क्वेश्चन मान के चलो बचे हैं आप लोगों के, तो 50 क्वेश्चन यदि बचा है तो 50 में से यदि आप BBV करके आओगे तो अभी 15 या 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, समझ लो फिर मतलब पात्रता इजीली हो जाएगी। तो आर के वैष्णव सर ने ये मेरे को ज़बरदस्त चीज़ बताई, एंड अभी मैं आपको ना उनका जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ना वो बता भी देता हूँ सारा कुछ। तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट तो ये है, रुको एक मिनट, अरे हट जा यार। तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये है गाइस, देख लो है ना, नज़दीक कर देता हूँ मैं जितना पॉसिबल हो जाए, मेरे से हेल्प जितनी बनती है उसकी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट था, उसके बाद देखो सेकेंडरी, ये सेकेंडरी देखो, ये सेकेंड वाला स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, ठीक है। चलो रोटेट हो रहा है, मेरे को अभी पता चला था, चलो गुड गुड गुड। और ये थर्ड वाला स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, देखो रोटेट हो गया भाई, ये थर्ड वाला भाई, ठीक है। और एक और है बस, उसको देख जाओ, उसके बाद फिर ब्लॉग को लाइक कर देना, और कहीं हेल्प करना चाहो तो आप भी हेल्प कर सकते हो। तो ये 4 वाला है, ठीक है। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, सारी चीज़ें मैंने बताती हैं। बाकी ब्लॉग देखो आपके लिए ब्लॉग तो क्या, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ मैं, जितनी हेल्प हो सके आपकी हेल्प हो जाए। 6:01 हो चुका है, अभी देख ही सकते हो ये टाइम किधर गया भाई, टाइम अरे इधर देख लो यार, ऊपर दिख रहा है ना, 6:01 हो चुका है। तो जितना हो सके मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो। और किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो, कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलने वाला है, ठीक है। आर के वैष्णव का वीडियो, आर के वैष्णव सर है ना, उनका वीडियो था कुछ 40 मिनट्स या 35-33 मिनट के आसपास, और मैंने ऑलमोस्ट 8-9 मिनट के अंदर बहुत ही शॉर्ट में बता दिया आपके लिए, ठीक है। अभी इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखा दी, मैंने बोल के भी बता दिया है। तो कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट में बता देना, और किसी की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर वेयर कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। यदि आपको लगता है दिल से किसी की हेल्प हो सकती है या फिर मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ तो कर देना, ठीक है, रोकना मत अपने आप को, क्योंकि आपकी एक शेयर से क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए, समझ रहे हो मेरे भाई। तो उसी वजह से मैं आपके लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मेरे को भी स्टडी करना है, मेरे को भी तैयारी करनी है, तो अभी मैं करूँगा तैयारी, बस स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी फ्रेश भी नहीं हुआ लेटरली मैं, तो मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ, फिर बाद में ना स्टडी में बिजी हो जाते हैं तो फिर पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं, फिर समझ में नहीं आता। बाकी कुछ मैं कॉन्फिडेंस रखो खुद के अंदर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे को सारा कुछ आता है, क्वेश्चन पेपर में वही आएगा जो मैंने पढ़ा है। खुद को पॉजिटिव रखो जितना हो सके, ठीक है। बाकी अपडेट मिलता रहेगा सारा चीज़, समझ रहे हो ना। और कुछ हेल्प चाहिए ना तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, मैं आपका पूरा हेल्प करने वाला हूँ भाई, ठीक है भाई। तो पंकज भैया का ब्लॉग कैसा लगा, पंकज भैया की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को बता देना। चलो फिर ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, टाइम आपके पास भी कम है, थैंक यू भाई।